हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज ओट्स के सीरीज़ में ये दूसरा दिन है और मैं आपको ओट्स की कल एक रेसिपी बताई थी, रोटी बनाने के लिए बनाया था। आज वापस मैंने एक रोटी ही बनाया है क्योंकि आफ्टरनून या मॉर्निंग के टाइम में, ठंडियों के समय में लोगों को रोटी खाने की क्रेविंग होती है। घर में दाल सब्जी जो भी बना है आप खा सकते हैं। तो रोटी कैसे बनानी है, देखिए आज मैंने पालक इन्ग्रीडियंट मेन है और ओट्स तो है ही। ये देख रहे हैं, ये मेरी रोटी है और आप देखिए इस तरीके से रोटी के जो टुकड़े हैं मैंने बनाए, उसमें देसी घी लगाया है और ये जो है रोटी जो है मैंने पालक डाल के इसमें बनाई है। ओट्स की रोटी है, इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला है। मैं प्रोपोर्शन आपको बताती हूँ क्या करना है। इस तरीके का देखिए मेरे पास ये पेड़े जैसे मैंने जो ये बनाया, ये डो है और इसको आटे का ये लोई है आपका। इस तरीके से एक छोटी छोटी लोई आपको बनाना है। ये देखिए इस तरीके से जो लोई होगी, इतनी बड़ी एक लोई है। इस तरीके का अगर आपने दो लोई का रोटी खा सकते हो आप लंच में दाल और सब्जी और सलाद के साथ। अब इसको मैंने तैयार कैसे किया है, एक बाउल आपको आटा, मान लीजिए गेहूं का आटा आपको डालना है, क्योंकि कल जो रोटी बनी थी वो थोड़ी कड़ी थी तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, बहुत कड़ी जो रोटी होती है टाइट हो जाती है, वो कई लोग नहीं खा पाते हैं। तो वो कैसे बनाए कि वो थोड़ा सॉफ्ट रहे और वो ईज़िली खा सकें या बेलने में भी आसानी रहे और बनाने में भी, तो उसके लिए उन्हें क्या करना है, एक बाउल गेहूं का आटा लेना है और एक बाउल मैंने आज बेसन डाला है उसमें, एक बाउल बेसन एक बाउल गेहूं का आटा, आप छोटी छोटी कटोरी से अंदाज लीजिए। और फिर उसी तरीके से दो बाउल आपको ओट्स को पीस लेना है। अब दो बाउल आपने ओट्स डालना है एक अंदाज से और ये आपकी चार कटोरी में आपको जितना भी है वो आप क्वांटिटी समझो। मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ कि आपको 50% ओट्स रखना है और 1/4 आपको एक फोर्थ 1/4 जो है आपको गेहूं का आटा और 1/4 आपको बेसन लेना है। इन तीनों में मैंने जब आटा गूंथा तो मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने पालक को ग्राइंड किया है कट करके और उसी पालक के जो जो उसका जो प्यूरी बना है उससे ही मैंने आटे को गूंथा है और लास्ट में मैंने आधा चम्मच देसी घी डाला है कि आटे को अच्छे से सॉफ्टली मैं गूंथ सकूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये डो तैयार है। आपने देखा कि इतना सॉफ्ट है ये डो, तो जब आप इसकी रोटी बनाते हैं तो बहुत आराम से रोटी बनती है और आप आराम से, ये देखिए मेरी रोटी कितने ईजिली टूट रही है आराम से। इस तरीके से मैंने रोटी बनाया और मैंने क्या लिया है आप देख सकते हैं मेरे खाने में। मैं एक मिनट, इसको मैं रिवर्स होगा कि नहीं, आई डोंट नो, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें, कोई बात नहीं। तो मैं आपको, मैं प्लेट का जो है थंबनेल लगा दिया है, आप देख सकते हैं उसमें मैंने दाल जो है लिया है आज, पालक वाली दाल, पालक की सब्जी और सलाद, यानी कि आपके खाने में प्रोटीन भी है, आयरन भी है और बहुत सारे फाइबर के साथ इस तरह की दो रोटी अगर आप खाएंगे तो बहुत अच्छे से आप वेट लॉस भी करेंगे और आपको ये बात बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप डाइट पे हैं, मतलब आपका पेट भरा रहेगा तो आप उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाएंगे। और मुझे हमेशा से लगता है कि कुछ डाइट इसी तरीके से होना चाहिए जब आपको किसी तरीके की क्रेविंग भी नहीं हो, आप हर चीज़ों को एंजॉय कीजिए और अपने वेट को भी मैनेज कीजिए, वेट को लॉस कीजिए और आप अपने आप को मेंटेन रखिए। इस तरीके के डाइट को ही मैं कोशिश करूँगी आगे भी, मैं बहुत सारे रेसिपीज़ आपको दूंगी, मैं इसकी खिचड़ी और पुलाव क्या है जो भी मुझसे होता है मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ और आप तक शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए या यूज़फुल लगें तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं और मुझे प्लीज़ आप कमेंट में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे आपके बारे में पता चलेगा कि अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है आपको जो नहीं समझ में आ रहा, मैं कोशिश करूँगी कि आगे से और भी अच्छे वीडियोस बनाऊँ। हाँ, मैं कुकिंग नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि अभी उतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं कुकिंग का वीडियो अलग बना के और फिर सब एडिट कर नहीं पाती हूँ, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। आगे देखूँगी भविष्य में, अगर जितना पॉसिबल हुआ मैं ज़रूर अच्छा करने की कोशिश करूँगी। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरी वन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।